हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेक स्पीक्स पर। आज हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं आपको दो चैनल्स के बारे में। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस वीडियो में दो चैनल के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, तो उनमें से एक चैनल में हुआ है बदलाव और एक चैनल ऐसा है जो अभी अभी DDP के MPG2 बॉक्स में शुरू हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर पहले चैनल की बात करें तो पहला चैनल है दंगल 2, तो उसमें बदलाव ऐसा हुआ है कि आपको बता दें उस पर आपको नई सीरियल देखने को मिलने जा रही है, मतलब शुरू हो चुकी है। जी हाँ, उस सीरियल का नाम है CID। जी हाँ, CID ए सीरियल है सोनी का, जो आपको अब दंगल 2 पर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, टाइमिंग है उसकी 10:30 PM की। दूसरे चैनल की बात करें तो वो है यूनिक TV। जी हाँ, यूनिक TV फिलहाल में ही आपको DDP के MPG2 बॉक्स में देखने को मिल रहा है, जो 67 ई ऑक्शन में भाग लेके जीता है वो आपको MPG2 बॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो उसमें बहुत सी अच्छी खासी सीरियल दिखाई जा रही है, जैसे कि यम है हम और जीजाजी छत पर है, ऐसे लेटेस्ट सीरियल भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जा रही है, और कुछ नए कार्टून शो भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुराने सीरियल भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मालिनी अय्यर हो गया, श्रीदेवी का सीरियल है, और उसके साथ जय 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 बजरंगबली ए सीरियल भी आपको यूनिक TV पर देखने को मिल जा रहा है। तो बहुत से अच्छे खासे सीरियल इस चैनल पर शुरू कर दिए हैं। ज़्यादातर सोनी के जो सीरियल है वो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाते हैं। वैसे बात करें तो बहुत से सीरियल ऐसे हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं DDP पर, जो सोनी और सोनी सब के हैं, जो कभी आपको सोनी पर भी देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दें दंगल 2 का जो सिस्टर चैनल है एंटरटेन, उस पर भी आपको चिड़ियाघर हो गया, कौन बनेगा करोड़पति हो गया, ऐसे सीरियल देखने को मिल जाते हैं, और इच्छा प्यारी नागिन जैसे सीरियल भी इन चैनलों पर आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब दंगल मतलब एंटरटेन ग्रुप के जो चैनल है उन पर आपको सोनी के बहुत से सीरियल देखने को मिल जाते हैं, और उसके साथ ही यूनिक TV जो है उस पर भी आपको सोनी के सीरियल देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ कमी है एक सीरियल की, जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर ये शुरू हो जाए तो दोस्तों दर्शकों के लिए ये बहुत अच्छी खबर होगी, अगर ये सीरियल शुरू हो जाए तो। उसके साथ आपको बता दें एंटरटेन पर आपको रोनित रॉय का जो सीरियल है अदालत, वो भी देखने को मिल जाता है, जो कभी सोनी पल पर भी आपको देखने को मिल जाता था। और आपको बता दें सोनी पल पर जो सीरियल चलता है बालवीर, और सोनी सब पर भी जो चलता था वो सीरियल भी आपको द क्यू चैनल पर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, द क्यू चैनल पर आपको बालवीर है जो सीरियल है वो देखने को मिल जाता है। मतलब सारे के सारे जो सीरियल है वो अब DDP पर उपलब्ध हो चुके हैं, सिर्फ एक सीरियल को छोड़कर, जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दोस्तों, हो सकता है आने वाले दिनों में ये सीरियल भी DDP पर स्टार्ट हो जाए। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए फ्रेश जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए ब्रेक स्पीक्स पर। थैंक यू।